जहांगीर तरी ने लोधरा में वोट कास्ट कर दिया है। वोट एक अमानत और ताकत है, वोट को जाया नहीं करना। जहांगीर तरीन की जानिब से यह कहा गया, सब लोग घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट करें, यह अपील उनकी जानिब से की गई। इंटरनेट की बंदिश नहीं होनी चाहिए, पोलिंग का अमल बेहतरीन तरीके से चल रहा है, एक मुस्तहकम हुकूमत बननी चाहिए, 5 साल के लिए हुकूमत बने ताकि मईशत मुस्तहकम हो सके। 8 फरवरी के बाद कौन सी हुकूमत बनेगी, सहाफी की जानिब से यह सवाल किया गया। जहांगीर तरीन ने इसका जवाब दिया कि 8 फरवरी गुजरने दे, सब सवालों का जवाब दूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। तो आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करते हुए उनकी जानिब से क्या गुफ्तगु की गई वो आपको सुनवाते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, ये मेरे घर का प्रॉब्लम है और मैं सब लोगों को देख रहा हूँ, मेरे सारे लोग घरों से निकले हुए किसी भी तादाद में और ये जो अच्छा सा काम वोटिंग होगी बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेहतरीन वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे। सर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, पंजाब के लिए, लोधरा के लिए, उसके हवाले से बता दें। देखिए मैं इंशाल्लाह ताला कामयाब होऊंगा और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश और उम्मीद है कि मैं दोनों हल्कों में पहुंच के प्रेम सर जिंदाबाद, प्रेम सर जिंदाबाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, आप क्या समझते हैं कितनी सीटें ले सकेंगे आप मुल्क भर से? मुझे तो उम्मीद है कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं तमाम सीटें जीतेंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन को ये उम्मीद है कि उन्हें अच्छी सीटें मिलेंगी।